वेलकम टू आवर YouTube चैनल। इस वीडियो में हम 504 वर्ड्स के बुक का 27 चैप्टर करेंगे। इसमें हमारे पास पहला वर्ड है डिस्पाइट। अब अर्ध लफ्स को अर्ध लफ्स के साथ तीन सेंटेंसेस है और इसके सिनोनिम्स एंड मीनिंग है। डिस्पाइट क्या है? डिस्पाइट एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब है इंस्पाइट ऑफ। इसको हम उर्दू या हिंदी में कहते हैं के बावजूद। अब सेंटेंसेस में देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। द प्लेयर कंटिन्यूड इन द गेम डिस्पाइट इज इंजरीज। उनके इंजरीज के बावजूद वो खेल खेलता रहा। नाउ डिस्पाइट बीइंग शाय होने के बावजूद टेड साइंड अप द ऑडिशन टू ऑडिशन अमेरिकन आइडल। नाउ वी वॉन द गेम बाय अ शट आउट डिस्पाइट द फैक्ट दैट अवर टीम गॉट ओनली 3 हिट्स। सो डिस्पाइट का मतलब है इंस्पाइट ऑफ, और एक प्रीपोजिशन है जिसको हम जिसका उर्दू में एंड हिंदी में मीनिंग है के बावजूद। द सेकेंड वर्ड इज डिसरप्ट। नाउ डिसरप्ट एक वर्ब है जिसका मतलब है अपसेट करना या कॉज टू ब्रेक डाउन या ख़राब होना या मुतासिर कर देना। फॉर एग्जाम्पल पैम्स क्लाउनिंग डिसरप्टेड द क्लास एवरी डे। मीन्स के पैम की जो क्लाउनिंग हो या फिर जो जॉक्स करता था उसने सारे क्लास को मुतासिर किया, सारे क्लास को डिस्टर्ब किया। द स्टॉर्म डिसरप्टेड द टेलीफोन लाइन्स थ्रू आउट द एरिया। सैलाब की वजह से एरिया सारे एरिया में टेलीफोन लाइन्स मुतासिर हो गए। सो डिस्टर्ब का मतलब मुतासिर होना, डिस्टर्ब करना या अपसेट करना। नाउ द कोलैप्स ऑफ द गवर्नमेंट डिसरप्टेड द सर्विसेज वी टुक फॉर ग्रांटेड सच इज द मेल डिलीवरी। कोलैप्स का मतलब है तबाह होना या गिर जाना या ख़त्म होना। सो डिसरप्ट हमारे पास वर्ब है जिसका मतलब है डिस्टर्ब करना, अपसेट करना या कॉज टू ब्रेक डाउन। थर्ड वर्ड है रैश। अब रैश के तीन मीनिंग्स हैं। नंबर वन, अ ब्रेकिंग आउट विद मैनी स्मॉल रेड स्पॉट्स ऑन द स्किन। जो हमारे स्किन पे रेड रेड स्पॉट्स होते हैं उसको हम रैशेस कहते हैं या रैश कहते हैं। सेकेंड मीनिंग इसका है और ब्रेक अप मैनी इंस्टेंसेज विद इन अ शॉर्ट टाइम। किसी भी चीज़ की आउटब्रेक इसके किसी भी चीज़ का एक ही मोमेंट पे ज़्यादा होना। एंड थर्ड इसका मीनिंग है टू एस्टी और केयरलेस। इसके जल्दबाज भी हम रैश कहते हैं। सो इसके तीन मीनिंग्स हैं। अभी देख लेते हैं इनके सेंटेंस एग्जांपल्स में। नाउ द रिपोर्ट ऑफ अ रैश ऑफ बर्गलर्स इन द नेबरहुड वॉज एग्जेजरेटेड। यहाँ पे जो रैश है वो इस मीनिंग में यूज हुआ है आउटब्रेक ऑफ मेनी इंस्टेंसेस विद अ शॉर्ट टाइम विद इन अ शॉर्ट टाइम। इसके एक ही चीज़ का एक ही टाइम पर ज़्यादा बार होना। सेकेंड सेंटेंस देख लें, पॉइजन एवी कॉजेज अ रैश। यहाँ पे रेड स्पॉट्स की बात हो रही है। थर्ड सेंटेंस देख लें, इट इज़ रैश टू थ्रेटन एन एक्शन यू कैन नॉट कैरी आउट। इट इसका मतलब है टू हैस्टी या केयरलेस। सो रैश के तीन मीनिंग्स हैं। फोर्थ वर्ड हमारे पास है रैपिड। अच्छा रैश जो है वो एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है। मीन्स के नाउन एन एडजेक्टिव है, नाउन एन एडजेक्टिव है। अगर हम रिकलेस एंड केयरलेस के बारे की मीनिंग में बात करें तो एडजेक्टिव है। एंड स्मॉल स्पोर्ट्स रेड स्पोर्ट्स की बात करें या मेनी इंस्टेंसेस की बात करें तो यहाँ पे वो नाउन की तरह काम कर रहा है। फोर्थ वर्ड हमारे पास है रैपिड। नाउ रैपिड मीन्स वेरी क्विक और स्विफ्ट, बहुत तेज। फॉर एग्जाम्पल वी टुक या जल्द, वी टुक अ रैपिड वॉक अराउंड द कैंप बिफोर ब्रेकफास्ट। सेकेंड सेंटेंस देख लें, इफ़ यू वर्क रैपिडली। यहाँ पे रैपिडली एक एज एन एडवर्ब यूज़ हुआ है। रैपिड असल में एक एडजेक्टिव है लेकिन सेकेंड सेंटेंस में रैपिडली जो है वो एक एडवर्ब है। सो इफ़ यू वर्क रैपिडली यू कैन कंप्लीट द टेस्ट इन 20 मिनट्स। द रिस्पॉन्स टू द सरप्राइज अटैक वॉज द रैपिड रिट्रीट। सो रैपिड हमारे पास एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है तेज या जल्द, और रैपिडली एक एडवर्ब है। फिफ्थ वर्ड हमारे पास एग्जॉस्ट है। नाउ एग्जॉस्ट के तीन मीनिंग्स हैं। अगेन एग्जॉस्ट का पहला मीनिंग है एम्प्टी कम्प्लीटली, मीन्स के बिल्कुल खाली करना। सेकेंड यूज अप इस्तेमाल करना कम्प्लीटली, या टायर आउट थक जाना या थका देना। फॉर एग्जाम्पल टू एग्जॉस्ट द सिटीज वाटर सप्लाई वुड बी अ कैलामिटी। नाउ कैलामिटी हमारे पास एक नाउन है जिसका मतलब है तबाही, बर्बादी या मुसीबत। सिटी की वाटर सप्लाई को ख़त्म करना मीन्स की कम्प्लीटली एम्प्टी करना एक मुसीबत हो। नाउ द लॉन्ग क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द माउंटेन एग्जॉस्टेड आवर स्ट्रेंथ। इसका मतलब है कि टायर आउट थक जाना यहाँ पे।
इफ यू कंटिन्यू टू स्पेंडर, अब स्पेंडर का मतलब है पैसे फजूल खर्ची करना, पैसे खर्च करना वैसे. इफ यू कंटिन्यू, इफ यू कंटिन्यू टू स्पेंड आवर मनी रेकलेसली, रेकलेसली मीन्स केयरलेसली, आवर ट्रेजरी विल सून बी एग्जॉस्टेड. सो एग्जॉस्ट हमारे पास हुआ है जिसका मतलब है एम्प्टी कम्प्लीटली, मीन्स को बिल्कुल खाली करना, यूज अप बिल्कुल कम्प्लीटली इस्तेमाल करना, या टायर आउट, थक जाना या थका देना. सिक्स्थ वर्ड हमारे पास है सिवरिटी. नाउ सिवरिटी के इंग्लिश सिनोनिम्स क्या है? स्ट्रिक्टनेस, आर्शनेस, प्लेननेस या वायलेंस. सिवरिटी मीन्स शिदत. नाउ फॉर एग्जाम्पल, द सिवरिटी ऑफ द टीचर वॉज नॉट अप्रिशिएटेड बाई द पुपिल्स अनटिल दे रीच्ड द फाइनल एग्जामिनेशन. मीन्स की जो सख्ती टीचर करता था, स्टूडेंट्स उसको अप्रिशिएट नहीं करते थे अनटिल जब वो फाइनल एग्जामिनेशन में पहुंचे. द सिवरिटी ऑफ द ब्लैक फ्लैग, अ फ्लैग जो है एक बीमारी थी, एक डिजीज थी, जैसे कि कोरोना वायरस 14th सेंचुरी में इंग्लैंड में हुआ था. सो द सिवरिटी ऑफ द ब्लैक फ्लैग कैन बी इमेजिन फ्रॉम द फैक्ट दैट 30% ऑफ द पॉपुलेशन डायड. मीन्स के अब प्लेग की जो बीमारी थी इसकी शिदत आप इससे इमेजिन कर सकते हो कि 30% ऑफ पॉपुलेशन जो है उसमें डिमाइज हुआ. सो रोसिटा कंप्लेन टू द प्रिंसिपल अबाउट द सिवरिटी ऑफ द पनिशमेंट दैट द स्टूडेंट कोड गेव हर. रोसिटा ने प्रिंसिपल से कंप्लेन की कि जो पनिशमेंट वो उन्हें दी गई थी वो बहुत सख्त थी. सेवंथ वर्ड हमारे पास है फीबल. नाउ फीबल मीन्स वीक, कमजोर. अगेन फीबल एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है वीक. फॉर एग्जाम्पल, वी हर्ड अ फेबल क्राई फ्रॉम द एग्जॉस्टेड चाइल्ड. अब एग्जॉस्टेड अगेन यूज हुआ है जिसका मतलब है यहाँ पे थका हुआ चाइल्ड, यहाँ पे थका हुआ क्या मीनिंग दे रहा है, मीन्स के टायर्ड आउट चाइल्ड. नाउ द गाइड, गाइड मीन्स रहनमा. द गाइड मेड अ फेबल अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन व्हाई ही हैड टेकन द रॉन्ग टर्न. थर्ड सेंटेंस देख लें, द फेबल होल्ड मैन कोलैप्स्ड ऑन द साइड वॉक. यहाँ पे इस सेंटेंस में कोलैप्स का मतलब है गिर जाना. एट्थ हमारे पास वर्ड है यूनाइट. यूनाइट का मतलब है, यूनाइट हमारे पास वर्ड है जिसका मीनिंग है ज्वाइन टुगेदर, मुतहद होना, बिकम वन, एक होना. द 13 कॉलोनीज यूनाइटेड टू फॉर्म वन कंट्री. 30 कॉलोनीज एक साथ हो गई और एक कंट्री बना ली उनसे, बन गई उनसे. मैट्रिमोनी, नाउ मैट्रिमोनी का असल मतलब है शादी ब्याह. मैट्रिमोनी यूनाइटेड टू फेमस वर्जीनिया फैमिलीज. मीन्स के शादी की वजह से दो वर्जीनिया फैमिलीज इकट्ठी हो गई. नाउ अमेरिका एंड रशिया वर यूनाइटेड अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी इन द वर्ल्ड वॉर टू. रशिया एंड अमेरिका एक दूसरे के साथ मुतहद हो गए थे एक कॉमन एनिमी के खिलाफ वर्ल्ड वॉर टू में. नाइन्थ वर्ड है सीज. नाउ सीज का मतलब है स्टॉप, रोकना या रोक देना. फॉर एग्जाम्पल, सीज ट्राइंग टू डू मोर देन यू कैन. द विस्परिंग इन द ऑडियंस सीज्ड व्हेन द कर्टन वेंट अप. When you cease making war, you can then begin to pacify the small villages the enemy controls. So cease हमारे पास वर्ब है जिसका मतलब है रोकना या रोक लेना या रुक जाना. 10th word है thrifty. Now thrifty का क्या मतलब है? Saving या careful in spending या thriving. Now thrifty वो बंदा होता है, thrifty असल में हमारे पास adjective है जिसका मतलब होता है फजूल, means कि वो बंदा जो फजूल खर्ची ना करता हो, इकोनॉमिकल हो, जो बचती हो, जो बचत करता हो. फॉर एग्जाम्पल, बाय बीइंग थ्रिफ्टी मिस बेंसन मैनेज्ड टू गेट अलोंग ऑन हर स्मॉल इनकम. अ थ्रिफ्टी पर्सन नोज दैट स्पेंडिंग मनी कैन लीड टू फाइनेंशियल कैलामिटी. एक बचत करने वाले इंसान को पता होता है कि पैसे फजूल में खर्च करने की वजह से महाशी मुसीबत आ सकता है. By thrifty use of their supplies, the shipwrecked sailors were able to survive for weeks. Now survive का मतलब है बच जाना, जिंदा बच जाना या जिंदा रहना. 11th word है miserly. Now miserly and thrifty जो है इनका मीनिंग सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है? Miserly का मतलब होता है कंजूस, stingy like a miser, लेकिन thrifty पॉजिटिव है, miserly नेगेटिव है. नेगेटिव इसके हम अगर कोई बंदा कंजूस है तो हम इसके लिए माइजरली यूज़ करते हैं, थ्रिफ्टी यूज़ नहीं करते, क्योंकि थ्रिफ्टी पॉजिटिव है, उस बंदे के साथ लिए यूज़ करते हैं जो बचत करता है लेकिन कंजूस ना हो. बीइंग माइजरली विद आवर नेचुरल रिसोर्सेज विल हेल्प अस टू लिव लॉन्गर ऑन दिस अर्थ. अ माइजरली पर्सन रेयरली हैज एनी फ्रेंड.
नाउ सिलियास मार्नन अबेंडेंट, अबेंडेंट का मतलब है छोड़ दिया जाना या छोड़ देना। इस माइजरली हैबिट्स व्हेन इफ ही केम इनटू हिज लाइफ, इफ ही के की जिंदगी में आने के बाद वो उन्होंने माइजरली हैबिट्स मींस के कंजूसी वाले जो आदत थे वो छोड़ दिए। 12th वर्ड हमारे पास है मोनार्क। नाउ मोनार्क मींस अ किंग अ क्वीन और रूलर, जैसे कि इंग्लैंड के होते हैं, जैसे कि यूएसए में सऊदी अरेबिया के होते हैं। सो यहाँ पे मोनार्क्स होती है, यूएसए में नहीं, यूएसए में तो डेमोक्रेसी है, लेकिन सऊदी अरेबिया एंड यूके यहाँ पे मोनार्क्स होते हैं। देर आर फ्यू मॉडर्न नेशंस दैट आर गवर्न्ड बाय द मोनार्क्स, बिल्कुल कमी है। द मोनार्क्स ऑफ एंशिएंट रोम कंसीडर देमसेल्व्स डिसेंडेंट्स ऑफ द गॉड्स। डिसेंडेंट का मतलब होता है कि उसी नस्ल, किसी के नस्ल से होना, या किसी का बच्चा होना, या किसी के औलाद होना। नाउ मैन समटाइम्स बिलीव दैट दे आर मोनार्क्स इन द होम्स, जो कि गलत है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम इस 504 वर्ड्स के सारे वोकैबुलरी वर्ड्स इसी चैनल पर शेयर करेंगे।